हेलो हसन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के बारे में, यानी कि इसमें प्रावधान है प्रतिरूपण द्वारा छल का, यानी कि इंग्लिश में कहें तो चीटिंग बाई परसोनेशन, चीटिंग बाई परसोनेशन के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 416 में इसका प्रावधान है, 416 में इसका प्रावधान है, 416। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि जो अभियुक्त होता है, वो किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, यानी कि धोखे में डालता है, या दूसरे व्यक्ति के नाम बताकर अपने आप को प्रस्तुत करता है, मतलब विशिष्ट कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के नाम बताकर वो अपने आप को पेश करता है। जैसे उदाहरण बतौर कि एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी का सदस्य बताकर कुछ वस्तुएं एक दुकानदार से कपटपूर्वक ले लेता है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में वो व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं होता है, तो उसने प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध किया है। प्रतिरूपण द्वारा छल के तत्व, पहला तत्व है, पहली जो उसमें बात है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा 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 अन्य व्यक्ति होने का बताना, अन्य व्यक्ति होने का बहाना बनाना, ठीक है, बहाना बनाना। वो व्यक्ति यह कहता है कि वो व्यक्ति मैं हूँ, अन्य व्यक्ति मतलब किसी दूसरे के नाम ले कहता है और कहता है वो व्यक्ति मैं ही हूँ। दूसरा इसमें जो तत्व है, जानबूझकर, यानी कि जानबूझकर क्या किया जाता है, जानबूझकर एक व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, जानबूझकर एक व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, जैसे ए एक व्यक्ति है, वो बी के स्थान पर एग्जाम में शामिल होता है, एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेता है और पेपर भी देता है, प्रश्न हल भी करता है, तो ये कहा जाएगा जो ए है उसने बी को बताकर प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध किया है। तीसरा जो तत्व है इसमें ये कहा गया, तीसरे तत्व में देखिए, तीसरा जो तत्व है वो है कि ये व्यवदेशन करना, ये व्यवदेशन करना कि बहे व्यक्ति, ठीक है, बहे या कोई अन्य व्यक्ति, फिर वही बात तो लिखेंगे हम, जो बहे या अन्य व्यक्ति, ठीक है, अन्य व्यक्ति वास्तव में है, जो वास्तव में है वो भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को वो व्यक्ति बता रहा है, यानी कि विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो जो कह रहा है वो व्यक्ति और जो विशेष व्यक्ति के बारे में कह रहा है, वो दोनों व्यक्ति भिन्न व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, भिन्न हैं, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें जो प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध है, प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध है, उसमें जो दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 419, धारा ये 419 में दंड का प्रावधान है। इसमें जो दंड है वो 3 वर्ष का,
किसी भांति कारावास, किसी भांति का, किसी भांति से मतलब है कि सादा या कठोर, कठोर भी दिया जा सकता है या सादा भी जा सकता है, या जुर्माना, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।